आपने हाल ही में देखा होगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के जो आंकड़े आए हुए हैं वो आ चुके हैं 2020 के में। तो याद रखिए एक बात कि इससे आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बनते रहे हैं और मेंस में भी बनते रहते हैं। और याद रखिए इसमें जो पॉइंट रहते हैं वो प्रीलिम्स से या वन डे एग्जाम के पॉइंट व्यू से तो महत्वपूर्ण रहते ही हैं, लेकिन ये आंकड़े आप मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग डाल सकते हो उन्हें, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को हम लोग देख लेते हैं, किसने टॉप पर रहा है, कौन क्या है, इससे संबंधित जो भी आपके सवाल आते हैं सभी के जवाब मिल जाएंगे। हाल ही में देखा है आपने कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 5वें संस्करण को जारी किया गया है, जिसमें आपने देखा है कि मध्य प्रदेश शहर इंदौर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पिछली बार भी आपने देखा है कि इंदौर ही आपका कुछ टाइम से नंबर वन पर चल रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कुल 4,242 यानी कि 4,242 शहरों को शामिल किया गया है, 62 छावनी बोर्डों को, 97 गंगा शहरों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 1.87 करोड़ नागरिकों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई है। इन्हें भी याद रखिए, मेंस में भी आपका डाल सकते हो और प्रीलिम्स में भी आपका पूछ लेगा। सर्वेक्षण 2020 को बड़े स्तर पर लोगों का समर्थन भी मिला है। इसमें आवासीय क्षेत्र में रहने वाले 58,000 से अधिक लोगों तथा औद्योगिक क्षेत्रों से 20,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे किया गया है। सर्वेक्षण में 64,000 से अधिक वार्ड को 28 दिनों में कवर भी किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में साझेदार संगठनों में अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और बिल एंड मिलिंडा ग्रेट्स फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, गूगल आदि भी शामिल रहे हैं। इन्हें भी आप याद रखिए, ठीक है। अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो 2020 का जो सर्वेक्षण है एक स्वच्छ सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। किस नंबर का? 5वां। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर ने लगातार 4वीं बार पहला स्थान हासिल किया है, यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि चार इंदौर लगातार 2017 से इस स्थान पर बना हुआ है, पहले नंबर पर बना हुआ है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि इंदौर आखिर है कहाँ, देख लेता हूँ। देखिए ये हमारा प्यारा, हमारी प्यारी पृथ्वी और हमारा प्यारा भारत, इसमें आपको ये दे रहा है। और मध्य प्रदेश यानी कि मध्य में होने के कारण मध्य प्रदेश इसे कहते हैं, हृदय प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी आप लोग कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं इसे। तो इसमें आप देखेंगे कि इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, इंदौर, ये है आपका इंदौर। यहाँ आप में से अधिकतर लोग एमपीपीएससी की कोचिंग भी तैयारी करने भी जाते हैं, ये मेन शहर है, यहाँ काफी लोग कोचिंग के लिए जाते हैं, तो यही है ये सब शहर, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश के स्वच्छ शहरों में सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। इन्हें भी याद रखिए, सूरत गुजरात का शहर है और नवी मुंबई मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। छत्तीसगढ़ ने 100 से अधिक यूएलबी श्रेणी में भारत के सबसे स्वच्छ राज्य का प्रतिष्ठित किताब जीता है, जबकि झारखंड को 100 से कम यूएलबी श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया है। तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर और राज्य के, और झारखंड सबसे निचले स्तर पर, लगभग 100 से कम है इसका यूएलबी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर बसा सबसे साफ शहर है। आपने देखा है कि जब से 2014 से प्रधानमंत्री साहब आए हुए हैं आपके जो नए, तो देखा है काफी हद तक आपने देखा है कि सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किस पर? सफाई पर। और इसका मतलब देखिए, यहाँ आपने यूएलबी की बात की है तो ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात की जाती है इसके तहत, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक जो वाराणसी शहर है ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ सबसे शहर सबसे अच्छा शहर है, यानी कि साफ शहर है। पंजाब के जालंधर शहर को देश के सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट का खिताब मिला है। वहीं बिहार की राजधानी पटना सबसे निचले पायदान पर है। आप देख रहे हैं, वैसे भी आप देखते हैं कई मामलों में बिहार काफी पीछे है, फिर चाहे आप लोग शिक्षा के मामले में ले लीजिए, साक्षरता के, फिर गरीबी के मामले में ले लीजिए आप लोग, महिलाओं की स्थिति के मामले में ले लीजिए। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में कुल 129 शहरों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रों की बात करें तो पृथक पृथक कचरा जमा करना और प्रोसेसिंग स्थल तक उसे बनाए रखना। आप भी देखते होंगे कि मैंने एमपी के कई शहरों में देखा है, इंदौर भोपाल में मैंने देखा है कि काफी हद तक आप कह सकते हैं कि अब तो वैसे भी आप कई शहरों में देखते हैं एमपी में तो घर घर आती है, घर के आपके गेट के सामने आएगी एक वो टैक्सी तरह की और वो उसमें आपको गीला कचरे की अलग व्यवस्था रहेगी, सूखे कचरे की अलग व्यवस्था रहेगी, यानी कि अलग अलग कचरा। और वैसे आप लोग रेलवे स्टेशनों पर भी तो देखते हैं इस तरह की गीले कचरे की प्रसंस्करण सुविधाओं की क्षमता का उपयोग करना, गंदे पानी की सफाई और पुनः उपयोग करना, तीन सिद्धांतों का पालन करना, घटाना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना, ठोस कचरे का कचरा आधारित वायु प्रदूषण कम करना, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना, जीईएम के माध्यम से प्राप्ति को बढ़ावा देना, कार्यवाही में तेजी लाने के लिए अलग से गंगा शहरों का आकलन करना, टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी को जोड़ना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्हीं को आधार रखते हुए, आधार मूल आधार मानते हुए इन्हें आंकड़ों को तैयार किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 से स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 कई मायनों में अलग भी है। इसके अलावा निरंतरता और स्थिरता पर ध्यान देते हुए SS 2020 संकेतकों त्रिमासिक और वार्षिक दोनों मूल्यांकन का प्रमुख ध्यान पूर्ण मल कीचड़ प्रबंधन और अपशिष्ट जल शोधन रहा है। इस कार्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्रालय ने वॉटर प्लस प्रोटोकॉल इसके साथ ही टूल किट की शुरुआत की है। ODF खुले में शौच मुक्त, ODF प्लस, ODF प्लस प्लस से आगे बढ़ते हुए वाटर प्लस प्रोटोकॉल का उद्देश्य शहरों और कस्बों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अनौपचारिक अपशिष्ट या पानी पर्यावरण में नहीं बहाया जाए, यानी कि सही जो अनुपचारित पानी है, यानी कि गलत पानी है, खराब पानी है, प्रदूषित पानी है, इसे सही पानी में ना बहाया जाए और ये प्रदूषण ना फैला सके, पर्यावरण को प्रदूषित ना कर सके, जिसके नतीजतन स्वच्छता मूल्य श्रृंखला में स्थायित्व कायम होगा। एक और आपने देखा होगा कि 2014 से पहले गंगा बहुत हद तक गंदी हुआ करती थी। आप देखते हैं कई लोग नहाने से डरते थे उस समय, समझ रहे हैं? लेकिन अब देखेंगे आप लोग, क्योंकि नाली जो नाले थे बड़े बड़े वो सभी गंगा में छोड़ दिए जाते थे। कानपुर में आप देखते हैं कि जो चमड़े की फैक्ट्रियां थी अधिकतर उनका पानी उसी गंगा नदी में चला जाता था, लेकिन अब आपने देखा है व्यवस्था हो गई है, पानी को या तो साफ करके छोड़ा जा रहा है या उन नालों को बंद करके दूसरी तरफ उनका उपयोग किया जा रहा है। क्या स्वच्छता सर्वेक्षण क्या है आखिर, स्वच्छ या स्वच्छता सर्वेक्षण? वर्ष 2016 में जब इस सर्वेक्षण की शुरुआत भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी तब इसका खिताब मैसूर ने हासिल किया था। यानी कि आपसे पूछे अगर कि सबसे पहले जब शुरू किया गया था उसमें कौन सा शहर सबसे पहले नंबर पर था, तो मैसूर था। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की एक गतिविधि है जिसका उद्देश्य राज्यों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वच्छता प्रयासों के स्तर का समयबद्ध और नवाचारित आकलन करना, या ग्रामीण तथा शहरी दोनों स्तरों पर निकाला जाता है। और इसे निकालने से एक और फायदा होता है कि आप भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी शहर को सबसे गंदा बता दिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि आपका एक तरह से बेइज्जती फील होगी उस राज्य को और या उस जिले को, तो वो अपने सुधार करने में कामयाब रहेगा, आगे सुधार भी करेगा। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करूं तो सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया था। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं कि हमारे महात्मा गांधी साहब की जयंती भी मनाई जाती है, इसी उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया था इस डेट को। और एक व्यक्ति की और जयंती मनाई जाती है, जन्मदिन मनाते हैं 2 अक्टूबर को, आप लोगों को बताना है, उनके बारे में हम लोगों ने बायोग्राफी भी कवर की हुई है, तो चर्चित चर्चा में रहते हैं हमेशा, आप देखते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब रहे हैं वो, तो आपको बताना है हमें, ठीक है? तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपके स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित, तो इन्हें अच्छे से याद रखिए।